हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये जो अपना वीडियो नंबर ये है पार्ट 13, ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है ना पार्ट 13। और इससे पहले मैं 12 पार्ट्स बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप इसी चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज का जो अपना टॉपिक वो निकल के आ रहा है रेडिएशन की तरफ से, कि सेफ डोज ऑफ रेडिएशन, ठीक है, कि आप कितनी अपने को रेडिएशन का यूज करना चाहिए। जो भी अपने गाइडलाइंस वगैरह है वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आप बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे। तो चलिए गाइज, अपना जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि रेडिएशन इन एवरीडेज लाइफ, ठीक है। रेडिएशन इन एवरीडे लाइफ का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप मतलब रेडियोग्राफर हो या फिर कोई रेडियोग्राफी फील्ड के अंदर पर्सनल हो, उसके अलावा भी अपने को रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह, ये देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन गिरी कि रेडियो एक्टिविटी इज़ ए पार्ट ऑफ आवर अर्थ, इट हैज एग्जिस्ट ऑल अलोन नेचुरली इन फ्लोर्स, क्रस्ट, वॉल्स, होम, स्कूल्स, ऑफिस एंड फूड वी इट। तो इसमें कह रही है रेडिएशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये नॉर्मली अपने एटमोसफेयर के अंदर ही प्रेजेंट है। ये जैसे अपने होम घर हो गया, घर की दीवारों में हो गया, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। वही नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मैन हैज ऑलवेज बीन एक्सपोज टू नेचुरल रेडिएशन, ठीक है। मतलब अभी अपन क्या बात की थी पहले वाले पॉइंट के अंदर, कि ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो गया, मान ले ठीक है, ये जो भी नेचुरल सब्सटेंस ये कुछ रेडिएशन इमिट करे हैं। और यही बात ये कह रहा है कि ये और मैन क्या, एक मैन अपना ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी की अपन बात करें तो अपा भी ये रेडिएशन से सफर हो रहे हैं, अपने को भी ये रेडिएशन कुछ ना कुछ अपने को लगती है। और जो एक तो इनसाइड होगी जो नेचुरल रेडिएशन, और एक वही रेडिएशन होगी जो आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर बोल सकते हैं आउटर स्पेस की जो रेडिएशन को आप रिसीव करते हैं, उसको बोलते हैं आप कॉस्मिक रेडिएशन या फिर कॉस्मिक रेज। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है, तो आपको सिंपली जवाब दे देना कि जो भी रेडिएशन जो अपने स्पेस में आती है या फिर आउटर स्पेस से आप रिसीव करते हैं वो रेडिएशन होती है कॉस्मिक रेडिएशन या फिर रेज। वही वी ऑल्सो रिसीव एक्सपोजर फ्रॉम मैन मेड, और आपा क्या साथ साथ आपने बात करी नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट हो गए जो मोर सकते हो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रेडिएशन है, वही कुछ आर्टिफिशियल जो फिर एक ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है वो कौन कौन सी, एक्सरेज अपना रेडिएशन कुछ ना कुछ तो वो भी रिसीव करते हैं ना अपने फील्ड के अंदर, या फिर आपा कोई कैंसर थेरेपी के अंदर रेडिएशन का यूज करते हैं वो भी अपन यूज करें। तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिस इंटीग्रेशन ऑफ एटम्स। अगर आप रेडियो एक्टिविटी का अगर जैसे मैंने नाम लिया, आप इससे क्या समझे, इसका सिंपली मीनिंग है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स। जो भी अपने एटम्स हैं उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। और ये किस तरह आप इसको डिफाइन करेंगे, ये कह रहे हैं कि हर एक एटम्स आर करेक्टेड बाई नंबर ऑफ प्रोटोन्स, न्यूक्लियस के अंदर अपने को प्रोटोन्स मिलेंगे, और ये फिर ये प्रोटोन्स क्या करते हैं उस एटम को डिफाइन करते हैं। कई बार क्या होता है ये अपने प्रोटोन्स है ये क्या होंगे, या फिर बोल सकते हैं अपने जो सब्सटेंस है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी के कारण वो जैसे ही वो अपने स्टेबल मोड में आएंगे तो कुछ ना कुछ या तो वो फिर एक ले लेंगे या फिर वह क्या करेंगे एक अपने को प्रोटोन छोड़ देंगे। वो जैसे ही वो छोड़ेंगे या फिर बोल सकते हैं वो प्रोटोन डिके हो रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ अपने को एनर्जी इमिट कर रहे हैं ना, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। और इसको अगर किस में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको बैकरल्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, किस में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको बोलते हैं बैकरल्स के अंदर ही एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आप अभी बात करते हैं। सबसे पहले आती है अल्फा रेडिएशन कौन सी है, एक बार आप बेसिक्स कवर करें फिर आप बात करेंगे अपने रेडियोलॉजी फील्ड वालों के लिए, ठीक है। तो अगर अल्फा रेडिएशन की बात करें तो ये कौन सी है, कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अल्फा रेडिएशन कौन सी, ये हैवी है, हैवी के साथ साथ ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है इसके अंदर, ये चीज़ याद रखना, हैवीनेस के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज है, ये अलग अलग आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कौन से एलिमेंट्स के थ्रू निकलती है, जैसे यूरेनियम रेडियम हो गया, वो क्या करते हैं अल्फा रेडिएशन को इमिट करते हैं या फिर उसको निकालते हैं। और दे कैन बी स्टॉप बाय शीट ऑफ थिन पेपर, अपनी ह्यूमन स्किन अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अपनी स्किन है ये एक लेयर की तरह काम करेगी और इसको यहीं रोक देगी अल्फा रेडिएशन को, या फिर आपका कोई शीट पेपर शीट है फिर एक बार उसको कोई कागज वगैरह यूज करेंगे तो ये रुक जाएगी। वहीं अगर बात करें यही अगर अल्फा रेडिएशन किसी से इनहेल हो जाए या फिर अपने फूड के द्वारा या फिर वैसे तो कोई भी मीडियम हो गया, आप पानी पिया, खाना खाया, उसके थ्रू अगर अल्फा रेडिएशन अंदर चलेगी तो वो अंदर जाके एक्सपोज होगी, और एक्सपोज होगी तो वो कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल चेंज करेगी या फिर बोल सकते अपने सेल्स को डैमेज करेगी ना, ये हो गया सिंपल। तो सिंपली आपको अल्फा रेडिएशन कवर कर दिया। वहीं कह रहे बीटा रेडिएशन, बीटा के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, वहां क्या थे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स थे, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है इसका, और ये 1.1 और 2 सेंटीमीटर मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर जो अगर पानी की लेयर है ना उसके अंदर ही ये पास हो सकती है, ठीक है। और अगर आप इसको रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं एल्युमिनियम की अपने कोई भी चादर या फिर वो एल्युमिनियम की सीट से आप इसको रोक सकते हैं, जो कि कुछ थिक होगी, फिर वो सकते हैं कुछ एमएम की होगी उसको आप रोक सकते हैं। वहीं कह रहे हैं ये गामा रेज,
गामा रेज क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये किस तरह काम करती है, जैसे एक्स रेज हो गई, रेडियो वेव्स, गामा रेज। आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगे आप सीटी के अंदर यूज करते हैं तो या मेरे को जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अपन गामा कैमरेज होते हैं तो उसका यूज क्या होता है पेट के अंदर, पेट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, पेट स्किन की, ठीक है। वही कह रहे हैं दीज रेज डिपेंड ऑन देयर एनर्जी, और गामा रेज किस पर डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी पे, वो कितनी मतलब वो सकते हो हार्श आ रही है सॉफ्ट आ रही है उस पर डिपेंड करती है। और ये आप किसके थ्रू रोक सकते हैं इसको, या फिर कोई कोई कंक्रीट की वाल है, या फिर अपन लेड शीट को यूज करके इस चीज को आप रोक सकते हैं। वहीं अगर बात करें न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी कुछ ना कुछ अपने को एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये एक अनचार्ज पार्टिकल्स है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ा था, बीटा के पास इलेक्ट्रॉन्स है और अल्फा के पास प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स क्या है, जीरो चार्ज है। लेकिन ये जीरो चार्ज क्या करेंगे, जब कोई भी एटम इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये किसको ये जनरेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा एक्स रेज को ये जनरेट करेंगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू अपन रोक सकते हैं इसको, या फिर कोई थिक मास ऑफ कंक्रीट, या फिर वाटर, या फिर पैराफिन के थ्रू इस चीज को अपन रोक सकते हैं। वहीं अगर बात करें अपने को रेडिएशन किस अपन एक्सप्रेस करते हैं, अगर रेडियो एक्टिविटी तो आप बैकग्राउंड में बात की थी, वहीं ये कह रहा है कि अगर रेडिएशन डोज यूज करते हैं अपन, ठीक है, तो इस रेडिएशन डोज को अपन सीवर्ट्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, और इसको बोल सकते हो एक सीवर्ट्स तो एक बहुत बड़ी ज़्यादा ब्रॉड वैल्यू हो जाएगी, तो लेकिन अपन नॉर्मली अपने जो बोल सकते हो डेली लाइफ के अंदर अगर बात कर चले इसको काउंट करेंगे एम एस वी और फिर माइक्रो एस वी, एम एस वी मीन्स मिली सीवर्ट्स या फिर माइक्रो सीवर्ट्स, इसके थ्रू अपन इसको कंपेयर करेंगे। अगर आप एक सीवर्ट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वही अगर आप बात करें इसकी लिमिट कितनी है, तो अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक की इसकी रेडिएशन डोज की लिमिट है 1 MSV, फिर बोल सकते हो मिली सीवर्ट्स पर NM, मतलब एक साल के अंदर एक ही NM होनी चाहिए, इसके अंदर एक सीवर्ट्स होना चाहिए एक साल के अंदर, 12 महीनों के अंदर एक सीवर्ट्स। वही अगर आप बोल सकते अगर रेडियोग्राफर है तो आपने बोल सकते हो 20 गुना पब्लिक से 20 टाइम्स ज़्यादा, मतलब ये होगी 20 MSV NM, ये फिर 20 साल, ये होगी ना 20 MSV पर साल। वहीं अगर बात करें बेनिफिट वर्सेस रिस्क, तो ये कह रहे हैं कि रिस्क इज एसोसिएटेड विद, ये फिर या तो अपने को रिस्क देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे कोई रेडिएशन वगैरह कई बार क्या तो किसी इरिटेशन वगैरह कुछ देखने को मिलती है, कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर कैंसर वगैरह ये कुछ ना कुछ अपने फिर ये माइनर इफेक्ट अपने को देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें हॉस्पिटल्स और इमेजिंग सेंटर्स, ये क्या करते हैं अपने जो अलारा प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। अलारा प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स, उसकी भी वीडियो आपको ये मिलेगी, लगभग वीडियो 11 या 12 नंबर आप चेक कर लेना, अलारा के बारे में मैंने सारी कुछ उसके अंदर कवर कर चुकी है। वहीं अगर बात करें इसके अंदर ये कह रहा है कि इट कुड बी शेड बेनिफिट फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग विच एक्यूरेट डायग्नोस द इट इज ग्रेटर स्मॉल रिस्क दैट कम आउट। ये कह रहे बेनिफिट वर्सेस रिस्क का सिंपली सा मतलब ये है गाइस कि जैसे आपने देखिए एक एक्सरे किया, एक्सरे के अंदर बिल्कुल माइनर उसको रेडिएशन लग रही है, लेकिन उसी रेडिएशन की बजाय उसका डायग्नोस तो हो रहा है ना प्रॉपर, तो इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स अपने को एक्सरे वगैरह बिल्कुल परफेक्टली करना चाहिए। अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो आपको परफेक्टली काम आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप बात करें रेडिएशन, ये कह रहा है कि सेफ डोज, सेफ डोज अगर पब्लिक की बात करें तो अपने को 1 मिली सीवर्ट्स, वहीं अगर आप रेडियोलॉजी के पर्सनल्स हैं तो अपने को 20 मिली सीवर्ट्स देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना फ्रेंड्स, आज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस तरह की वीडियो को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। और अंगेज आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको डेली कुछ ना कुछ मेडिकल और पैरामेडिकल रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।